हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि रेजिस्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, मींस रेजिस्टर कलर को डिकोडिंग कैसे की जाती है विदाउट यूजिंग मल्टीमीटर। आपको ये टेक्निक अगर समझ में आई तो आप किसी भी रेजिस्टर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये जो टेबल होता है वो आपको याद रखना है। पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सीक्वेंस ऑफ कलर्स याद रखने, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। अगर आपको सिक्वेंस याद रहा तो आपको बाकी की चीजें आराम से समझ में आ जाती है। जैसे डिजिट जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू 9, मल्टीप्लायर जो होते हैं वो 10^0 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद यहाँ तक एंड होते हैं वो सिल्वर तक। देन टॉलरेंस जो होता है, टॉलरेंस में सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट है कि 5% एंड 10% याद रहे तो भी आपके मैक्सिमम रेजिस्टर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन सभी याद रखना, लेकिन 5% और 10%, 5% होता है गोल्डन का और सिल्वर का होता है 10%, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टर में यही एंड के दो कलर्स कोड होते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। सिंपल सी प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला कलर आपको सबसे पहले तो ये देखना है, रेजिस्टर में अगर गोल्डन, गोल्ड और सिल्वर कलर होता है वो एंड का पार्ट होता है और बाकी जो कलर्स होते हैं वो स्टार्टिंग का पार्ट होता है। इस हिसाब से, क्योंकि रेजिस्टर में कोई भी पोलैरिटीज नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव, सो आपको ध्यान में रखना होगा कि गोल्डन अगर है या सिल्वर अगर है तो वो एंड पार्ट होता है और अगर बाकी के जो कलर्स होते हैं वो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम कलर कोड निकाल सकते हैं। सो जो पहला कलर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल में ब्राउन कलर है, तो ब्राउन का हम देखेंगे कि डिजिट वैल्यू है 1, तो हम 1 एज इट इज लिखेंगे। आपको जैसा कलर रहेगा उसकी जो वैल्यू रहेगी वो एज इट इज लिखनी है फर्स्ट। सेकेंड ब्लैक है, ब्लैक का होता है 0, सो आपको ये 0 एज इट इज लिखना है, ठीक है। थर्ड जो कलर होता है वो होता है मल्टीप्लायर, सो मल्टीप्लाई करके आपको 10 लिखना है। उसके बाद जो रेड कलर है, आपको देखना है रेड का होता है 2, जो डिजिट होता है वो होता है 2, तो आपको इसके पावर में वो 2 देना है, ठीक है। सो थर्ड कलर जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है, सो उसको आपको पावर में देना है। जैसे रेड कलर का 2 डिजिट है तो वो 2 दिया पावर में। अब जो फोर्थ कलर रहता है, फोर्थ कलर कोड, जैसे यहाँ पे गोल्डन है तो आपको देखना है गोल्ड 5%, सो आपको यहाँ पे लिखना है 5% प्लस माइनस, टॉलरेंस मींस प्लस माइनस। इसका मीनिंग होता है गोल्ड रहे या सिल्वर रहे, फिर 10% होता है सिल्वर और 5% होता है गोल्ड। तो इसका मीनिंग क्या होता है, टॉलरेंस मींस ये रेजिस्टर की वैल्यू जो भी निकलेगी वो उसमें या तो वो प्लस 5% से ज्यादा या फिर कम, इस रेंज में वो वैरी करती है, वो एग्जैक्ट नहीं होती। जैसे ये रेजिस्टर की वैल्यू 10 × 10^2, दैट मींस 10 × 100 मींस 1000, ओके 1000 मींस 1K ओम, ये आंसर इसका आता है, क्योंकि 30 मींस के एंड 1 एज इट इज 1K, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो 10^2 मींस 100, 100 × 10 1000, सो 1000 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 3 0 की जगह हम के ले सकते हैं और 1 एज इट इज, सो 1K ओम इसकी वैल्यू निकल गई ये रेजिस्टर की प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। इसका मीनिंग क्या है, 1K पे 5% वो ज्यादा भी आ सकता है या फिर वो 5% से माइनस मींस कम भी आ सकता है, मींस इसकी वैल्यू 1K ही आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है ये 5% से ज्यादा या फिर 5% से कम की रेंज में वैरी हो सकती है। सो इस तरह से हम कलर कोड से डिकोडिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। सिर्फ आपको ये जो फॉर्मेट होता है कलर का, सिक्वेंस होता है, वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक रजिस्टर का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन रजिस्टर, सो आप देख सकते हो कि सबसे जो लास्ट में है वो है गोल्डन कलर, सबसे स्टार्टिंग में ब्राउन कलर है, सेकंड है ब्लैक एंड थर्ड है ब्लू। तो हम इसकी कलर कोडिंग कैसे निकालेंगे, जैसे सबसे पहले है ब्राउन, सो ब्राउन का होता है 1, सो 1 लिखेंगे एज इट इज। उसके बाद है ब्लैक, ब्लैक होता है 0, एज इट इज लिखेंगे। बाद में थर्ड कलर रहता है मल्टीप्लायर, 10 लिखा।
ब्लू है, तो ब्लू का है डिजिट कोड 6, सो 10^10 हो गया ये 6, एंड लास्ट है गोल्ड प्लस माइनस 5%। ओके, अब 10^6 मीन्स 10, 6 को लिख सकते हैं मेगा ओम, सो इसकी वैल्यू निकली 10 मेगा ओम प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस आएगा। ठीक है, दैट मीन्स 10 मेगा ओम इसकी वैल्यू रहेगी, और 5% से ये ज्यादा भी रह सकती है या फिर कम भी रह सकती है, तो उस रेंज में ये वैरी करेगी, प्लस माइनस 5% की रेंज में। सो ये होता है कलर कोडिंग से हम डिकोड कैसे कर सकते हैं। आप आसानी से कोई भी रेजिस्टर की वैल्यू इस टेक्निक से निकाल सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।